सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू गेट क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। ठीक है, आप इस पोस्ट को चाहो तो मेरे वेबसाइट पे जाके रीड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है ycsentertainingblog.com। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा और मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको क्लियर और ग्लोइंग स्किन अपनी बनानी है तो सबसे पहला काम कीजिए कि देखिए, मैं भी जो है कि बहुत एक्ने से स्ट्रगल किया, ठीक है, अब जाके मुझे काफ़ी राहत मिली। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है, जैसे लिखा है, मेक हेल्दी डाइट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ आप ये करिए कि जो भी ऑयली फूड आप खाते हैं, ठीक है, जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, मतलब कोशिश करिए कि उसको मतलब एकदम मतलब बहुत रेयर कर दीजिए, मतलब कभी कभी खाइए। जैसे हफ्ते में एक दिन आपने बना लिया या हफ्ते में एक दिन आपने कुछ खाया बाहर का, ठीक है, मतलब ऑयली फूड। बाहर का मतलब ये नहीं कि सब चीज़, मतलब ऑयली फूड, मतलब उसकी जगह आप ऑयली फूड की जगह एक काम कर सकते हैं। जैसे आपको भूख लग रहा है, ठीक है, तो आप फल फूल ले लीजिए, खास करके जैसे कि बनाना, एप्पल, ये सब खाइए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। और फिर उसके बाद दूसरा काम ये करिएगा कि मतलब जैसे कोशिश करिएगा कि जब भी आप बाहर रहते हैं तो थोड़ा मतलब ऑयली फूड से मतलब वो कर लीजिए, कन्नी काट लीजिए जिसको कहते हैं, कि मतलब बहुत कम कर दीजिए। और मतलब जब बहुत रेयर हो, मजबूरी हो, जैसे कहीं आप हैं बाहर, आपको बहुत तेज़ भूख लगी, मजबूरी है, तो ठीक है भाई, तब की बात अलग है, पर ऐसे कोशिश करिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि एक्सरसाइज करिए। तो एक्सरसाइज से क्या होता है कि एक्सरसाइज से आपके जितने भी मतलब, पहली बात तो ब्लड फ्लो जब आपका बढ़ता है ना, तो वो ऑलरेडी आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, ठीक है। और ऐसा ये नहीं कि केवल चेहरे पे, पूरे शरीर पे ग्लो आता है, ठीक है, क्योंकि भाई ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे मतलब एक्सरसाइज करने से आपके डेली बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कि आपके जो मतलब टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे कि क्या कि हमें स्वेटिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब शरीर में जो गंदगी होती है ना वो भी निकलती है स्वेटिंग के दौरान। तो इसलिए आप इसको कोशिश करिए कि इसको करिए, इससे क्या होता है कि आपकी जो न्यू स्किन्स होती है ना उसको जल्दी रीजनरेट होने में मदद मिलती है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है कि वॉश योर फेस वंस अ डे, ठीक है, मतलब रोज़ अपना फेस एक बार धोइए, मतलब फेस वॉश से। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी स्किन में डर्ट या ऑयल है जो जमा हो जाते हैं, मतलब आप कहीं गए, मान लीजिए कहीं गए नहीं तो भी, जैसे कि क्या होता है, कोशिश करिए कि दिन में ही एक बार फेस वॉश का यूज़ करिए, ठीक है। और ऐसे तो आप चाहे जब भी यूज़ कर लो, एक बार दिन भर में एक बार जरूर फेस वॉश का यूज़ करिए, पर मतलब मेरी मानिए तो दिन में, क्योंकि क्या होता है कि जब आप मतलब रात भर सो के उठते हो तो जो आपकी मतलब पिलो होती है, पिलो के कवर होते हैं, उसमें क्या होता है, उसी में आप पूरा मतलब पलट रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जैसे आपके बाल हेयर में ऑयल है, ठीक है, तो वो लग जाता है उस पर, ठीक है, पिलो कवर पे, और उससे क्या कि वापस आपकी स्किन पे लग रहा है, ठीक है। तो ये सब बहुत मतलब गंदगी इकट्ठा हो जाती है, जैसा कि आपको पता होगा कि ऑयल जो होता है वो मतलब उस पर क्या होता है कि जो भी गंदगी होती है, डस्ट होती है, वो चिपक जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ अपने बाल पे भी ध्यान दिया होगा, हेयर पे, ठीक है, तो इस तरह आप इसका यूज़ करिए, तो उससे क्या होता है कि सारे जितने भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी और आपके जो एक्ने हैं वो बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, मतलब रेड्यूज़ कर देगा एकदम, ठीक है। हाँ, मुझे ये पता है क्योंकि मैं भी स्ट्रगल किया हूँ कि जेनेटिक जिनका होता है, जिनके जेनेटिक्स में ही होता है, बहुत ज़्यादा एक्ने आते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को कम करना, ऐसा मैंने भी फील किया, पर अब जाके मेरे काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, जैसा मैंने फील किया वैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हाँ, और एक चीज़ और कि मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वही मैंने है और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप जाके रीड भी कर सकते हो इतमिन से, ठीक है। और चौथी चीज़ क्या है कि अप्लाई सनस्क्रीन, देखिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब हम मतलब धूप में निकल रहे हैं तो जो मतलब अल्ट्रा वायलेंट जो रेज होती है ना वो बहुत ख़तरनाक होती है हमारे स्किन के लिए, आपको शायद नहीं पता होगा, जो मतलब देखते होंगे आप झुर्रियाँ हो जाती हैं चेहरे पे, वो क्यों होती है, सब उसी की वजह से होती है, सन्स, ठीक है, सन की वजह सबसे ज़्यादा, जो मतलब आप जैसे जाते हैं बाहर, ठीक है, आप सोचते हैं कि अरे कहाँ हम लोग, मतलब देखिए ये चीज़ क्या है ना कि ये सबके लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये मत सोचिए कि हम लड़के हैं, अरे हम लोग कहाँ मेकअप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ये सब बातें निकाल दीजिए। अगर आप चाहते हो अपनी स्किन को अपग्रेड करना तो सनस्क्रीन का यूज़ करिए, वो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, और इसका आपको लॉन्ग रन में फर्क असर दिखेगा। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब लॉन्ग रन में करिएगा तब आएगा, ये नहीं कि एक दो दिन की और सोचिए कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कम से कम लगातार करिए एक साल तक, तो आपको पता चलेगा इसका असर, ठीक है। उसके बाद पाँचवीं चीज़ जो लास्ट चीज़ है ये है, ये बहुत ही मतलब ज़रूरी है, ठीक है, लोग क्या होता है ना कि इग्नोर करते हैं, सोचते कि अरे यार चलो ठीक है पानी पियेंगे, देर से पानी पियेंगे, कौन सी जल्दी, पर आपको शायद नहीं पता कि इससे भी आपके एक्ने में बहुत मदद मिलती है, बाहर आने में, एक्ने को फूटने में आपकी स्किन में बहुत मदद मिलती है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो शरीर है वो हाइड्रेटेड नहीं है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि घर में जब तक है तो कम से कम दिन भर में कई बार आप पानी पीजिए, मतलब लगातार थोड़ी थोड़ी देर पे 10-10 मिनट पे पानी पीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, तो उससे क्या होता है कि जो भी मतलब मॉइस्चर चाहिए होता है हमारी स्किन को वो मिलता रहता है, ड्राई नहीं होती स्किन, क्योंकि ड्राई जब होगी ना तो आपको जैसे खुजली होगी चेहरे पर, ठीक है, एक्ने होगा, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है।
तो और आप कोशिश करिए, जैसे आप कहीं बाहर, मान लीजिए स्टूडेंट है कॉलेज या कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा अपने साथ वाटर बॉटल जरूर रखें, ठीक है। मैं भी वाटर बॉटल हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 चीज़ें आप करके देखिए। और जो सबसे पहला पॉइंट है कि मतलब हेल्दी डाइट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आप नीचे के सारे ट्रिक अपना लेंगे ना, तो भी जो हेल्दी डाइट अगर आपकी नहीं है तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है मतलब अच्छी स्किन पाना। ये चीज़ मैंने भी फील किया, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़रूर मतलब मेरी वेबसाइट चेक करिए, ठीक है, और वहाँ जाके आप और भी चीज़ें मैंने अपलोड की हुई है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो साइनिंग ऑफ, पीस, और अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें सबके साथ, ठीक है। साइनिंग ऑफ, पीस।